श्रीमद भागवत गीता पवित्र चारों वेद पवित्र कुरान शरीफ पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहेब पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन स्वरूपानंद जी क्या बताते हैं देखिएगा यह है प्रवचन परसून पुस्तक प्रवचन परसों ये आपके समक्ष है और ये कहा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचन है श्री द्वारका शारदा पीठ से प्रकाशित है प्रकाशक है स्वामी सदानंद सरस्वती श्री शारदा पीठ द्वारका जामनगर गुजरात दुर्भासित है ये आपको दिखाई दिया था सारा और ये दो शब्द में स्पष्ट किया है कि ये सन उन्नीस सौ में पूज्य पाठ श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचनों का संकलन है अब इसके 111 सौ पृष्ठ पे दिखाते हैं ये 111 सौ पृष्ठ पे है इन्होंने क्या बताया है कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है तीन गुण हैं सत्तव रज और तम प्रकृति के तीन गुण अंतःकरण में ही भी रहते हैं वह कर्म से घटते बढ़ते रहते हैं ये क्या बताते हैं प्रकृति इन तीन गुणों को कहते हैं सत्तव रज और तम या इनकी प्रकृति है दंडी स्वामियों की पुणात्मा ये तो है इनके अपने विचार और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर सात के और श्लोक नंबर दिखाते हैं आपको यह है श्रीमद भगवत गीता इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है इसके सातवें अध्याय का सातवें अध्याय का चार और पांच श्लोक दिखाते हैं अध्याय सात चार और पांच में क्या कहा है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है ये मेरी अपरा यानि जड़ प्रकृति है प्रकृति क्या बताया जी में पृथ्वी यानी पांचों तत्व मन बुद्धि और अहंकार ये आठ प्रकार की प्रकृति है ना कि तीन गुण की ये तो मेरी अपरा प्रकृति है और फिर दूसरी जो है इस जिसे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति ये दुर्गा के विषय में ये भी अष्टंगी है और ये आठ एवं से मिलकर प्रकृति बनती है ना कि रजगुण सतगुण तमगुण से हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं हमारे धर्म गुरु हमें क्या शिक्षा दे रहे अब इन शंकराचार्य से किसी ने प्रश्न किया कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण है श्री विष्णु जी सतगुण हैं और श्री शिव जी तमोगुण हैं क्या आप सहमत हैं तो ये कैसे घुमाते हैं हम कि उनको ज्ञान तो है नहीं सदग्रंथों का आर्य कहते हैं कि हम पुराणों को सत्य मानते हैं ये क्या घुमाता है कि भगवान एक ही है और वो भगवान रजोगुण के साथ रजगुण से ब्रह्मा बन जाता है और सतोगुण को लेकर के वो विष्णु रूप धारण कर लेता है और तमोगुण को लेकर के वो शिव रूप धारण कर लेता वो एक ही है आप हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं ये आपके रोग रू कराते हैं ये देखिएगा ये मार्कंडे पुराण है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये देखिएगा प्रकाशक गीता प्रेस गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान इनके फोन और फैक्स नंबर इसके 123 सौ प्रश्न पर हम चलते हैं ये 122 से प्रारंभ करते हैं और फिर इधर 123 पर कंसेप्ट क्लियर होगा अपना हम 122 से शुरू करते हैं यहां से मारकंडे जी बोले ये बताते हुए आ रहे हम यही साथ में ही देखेंगे यहाँ लिखा साफी ही एक सौ तेईस पृष्ठ है इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं रजोगुण प्रधान ब्रह्मा तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण विश्वपालक विष्णु है ये ही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं यानी इस उस परमात्मा से ये अलग है रजोगुण प्रधान ब्रह्मा तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है और वे ही तीन देवता हैं और वे ही तीन गुण हैं अब और कंसेप्ट क्लियर करेंगे इन अज्ञानियों ने इतना अज्ञान फैला दिया है कि अब इसको हटाना कितना दुबर हो रहा है देखिएगा श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक अथ श्री मद देवी भागवत टीकम श्री कृष्ण बंबई से प्रकाशित है और यहाँ पर भी इसका बहुत सा हवाला दिया ये सारा कुछ इनका और डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर अब इसके हम तीसरे सकंद पर आते हैं यह है देवी भागवते भाषा टीका युक्त तृतीय कंध प्रारंभे इसके हम ग्यारह पृष्ठ पढ़ाते हैं ये है और भाषा टीका तृतीय सिकंद अध्याय पांच का श्लोक नंबर हम आठ पढ़ देंगे सातवा समाप्त हुआ आठवा प्रारंभ होता है हे माता भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तुमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है ब्रह्म रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं अब हम इसका संस्कृत पढ़ेंगे इसमें संस्कृत भी साथ में है यह और कृपा की है यह भी हमारे पास उपलब्ध है यदि दया दर्मना यह आठवां श्लोक है यदि दया दर्मना न सदाम भी के कथम अहम भगवान शिव बोल रहे हैं तमो तो गुण है और कमल कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बना दिया सुविधय क्यों सतो गुण हरी यानी विष्णु जी को क्यों सतगुण बना दिया इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है सतगुण विष्णु तम शिव जी और इन हमारे शंकराचार्यों की ये इनके इष्ट देव कौन है इनको तो शर्म आन लगी क्योंकि इनको पता लग गया कि रामपाल के इस तत्व ज्ञान का प्रचार बहुत गणा हो गया हिंदू समाज में पुणात्मा शिक्षित हैं अब इनको सु आ गया यु ज्ञान अब इनको शर्म आने लगी अपने इष्ट देव बचाण में ये दास बताओगे इनके कौन है इष्ट देव देखिएगा वैसे तो ये आपके समक्ष कर ही दिया यह एक पत्रिका है श्री माता और ये कहाँ से छपी है श्री माता कंप्यूस प्राइवेट लिमिटेड ये यह यहाँ से देख लियो अब इनके ये हैं ईष्ट भगवान इन शंकराचार्यों के ये नारायण यानी विष्णु जी आपके समक्ष है और ब्रह्मा जी ब्रह्मा और शिव भगवान सदाशिव ये इनके सदाशिव है और इनके जो गुरु परंपरा कहां से चली है इसमें स्पष्ट किया है कि नारायण से वशिष्ठ हुए वशिष्ठ के शक्ति शक्ति के पुत्र पराशर पराशर के व्यास व्यास के सुख यानी सुखदेव उसके बाद ये गौड महंतम आदि गोविंद ये अन्य इनके शिष्य फिर यहां स्पष्ट किया इन्होंने कि ब्रह्मा जी के पुत्र वैसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भगवान ये कौन है वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति ये श्री शक्ति देव और श्री शक्ति देव जी के पुत्र हैं श्री पराशर जी पराशर के पुत्र हैं व्यास जी भगवान वेद व्यास जी तो ये इनके ये शंकराचार्यों के गुरु परंपरा है और आखिर में ये गौड पदाचार्य है गोविंद भगवत पदाचार्य है और फिर ये हैं अब इनके मुख्य श्रीमद आदि शंकर ये हो गया कंसेप्ट क्लियर इनके देवता कौन है और देखिएगा ये देखिएगा ये कहां से छपी है शुभ आशीर्वाद किसका है इसके ऊपर अनंत ब्रह्मांड जननी कल्याणमयी करुणामय श्री माता श्रमण वंदन ये है अनंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एम एम द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ये यहाँ से ये श्री माता ये सत्तावा अंक है अषाढ़ पूर्णिमा का और कौन से सन का ये आपने देख लिया फर्स्ट पृष्ठ पे ये 2009 का है जुलाई 2009 अच्छा इसमें आगे चलते हैं इन्होंने स्पष्ट किया है प्रश्न नंबर पर कि आवरण पर आवरण माने यानी ऊपर टाइटल पेज पर गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है आदि शंकराचार्य पर आवरण पर दिए गए चित्र नारायण से लेकर भी प्रमुख गुरु हैं उन्हीं के हैं आदि शंकराचार्य जी शांकर परंपरा के आदि गुरु माने जाते हैं सभी को ज्ञात है कि उन्होंने देश के चार दिशाओं में चार वेदों को आधार बनाकर चार शांकर पीठों की स्थापना की जिस पर वर्तमान में तीन जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान है आवरण पर यानी मुख्य पृष्ठ पर उन सब के चित्र दिए अच्छा अब हम ये देखिएगा एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ ये श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी ये देखिएगा ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ जनवरी दो इसके संरक्षक हैं अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ये संपादक लेखक व संकलनकर्ता विष्णु शर्मा अध्यक्ष अध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली ये इनके परामर्शकर्ता प्रेरणा स्रोत सुबुदानंद ब्रह्मचारी जी मुद्रक हैं फाइन प्रिंट एंड पैक्स प्रकाशक हैं अखिल भारतीय है, अध्यात्मिक उत्थान मंडल एक बटा बत्तीस सौ चौंतीस गली दो रामनगर तिवारी मंडोली रोड सादरा दिल्ली की ये हो गए ठीक है अब इसमें देखना ये है पूज्य श्री का संदेश प्रश्न नंबर दो पर स्वरूपानंद सरस्वती जी के अपने हस्त लिखित है इनके पैड पर यह इनका पैड है हमारे सांकर अद्वित दर्शन के अनुसार भूत भौतिक परपंच के मूल में प्रकाश और विमर्श दो पदार्थ हैं जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति है पार्वती और परमेश्वर या त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर यानी शिव को हो तो वो त्रिपुर सुंदर है और पार्वती को त्रिपुर सुंदरी है त्रिपुर सुंदरी और यहां देखिए त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर रहे हैं पार्वती की श्री स्वरूपानंद जी छह पृष्ठ पे भगवती श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी ये इसके बारे में उनका प्रवचन है ये श्री रूपानंद जी इस त्रिपुर सुंदरी यानी पार्वती की पूजा कर रहे हैं प्रश्न नंबर ग्यारह पे इसी पुस्तक के पत्रिका के आदि शंकराचार्य के संक्षिप्त जीवन में क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ यहाँ लिखा गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 वर्ष माना जाता ये याद शब्द गलत लिखा उन्होंने क्योंकि 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी वो संसार छोड़कर चले गए थे तो 508 में तो बत्तीस कम कर दें तो चार रह जाते हैं तो ये दोनों उनका जन्म और मृत्यु समय इकट्ठा लिख दिया यानी ईसा काल ईसा से उनका जन्म समय 508 वर्ष ईसा जी से पहले है ये इनका ये है। और उस उनकी मृत्यु फिर 32 वर्ष के बाद होगी तो ऐसे घटते हैं ये जब तक ईसा सन तक नहीं आते तो आज सन 2012 में हम गिणे तो श्री शंकराचार्य जी का जन्म आज से 2520 वर्ष पहले हुआ ठीक हो गया और उधर से इन्होंने लिखा है हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक के पृष्ठ बयालीस पर के उनके एक शिव रहस्य नामक पुस्तक में लिखा है कि भगवान आदि शंकराचार्य का जन्म कलियुग के तीन हजार वर्ष बीतने के पश्चात होगा भविष्य वर्णित थी तो तीन हजार प्लस में आज पच्चीस सौ बीस मिला तो पचपन सौ बीस वर्ष आज कल युग बीत चुका है पुनात्मा ओ, इन तीनों गुणों की भक्ति यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को इस पवित्र श्रीमद भगवत गीता में क्या संज्ञा दी गई है इसकी एक झलक दिखाते हम अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण है ये तो बात खत्म होगी एक और छोटा सा दिखाते हैं ये देखिएगा श्री शिव पुराण ये कहा से प्रकाशित है सचित्र मोटा टाइप हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और मुद्रित है वहीं से मुद्रित और प्रकाशित है इसके 110 सौ पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं इसके 110 सौ दस पृष्ठ पर नौमा अध्याय है रुद्र संहिता रुद्र संहिता का नौमा अध्याय है इसमें लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं अब जो शंकराचार्य ये कहते हैं कि एक ही भगवान है और वही सतोगुण को लेकर के विष्णु बन जाता है विष्णु का रूप धारण कर लेता है वही रजोगुण को लेकर ब्रह्मा का बन जाता है वही सतोगुण लेकर के शंकर बन जाता है इसमें स्पष्ट किया है कि वो तो गुणातीत है और ये तीन देवता न्यारे हैं ये इसके पुत्र हैं जैसे एक प्रसंग ये भी आया था कि हमारे शंकराचार्य जी हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण और श्री राम ये स्वयं परमात्मा हैं और ईसा तो परमात्मा का पुत्र था और मोहम्मद साहब ये पैगंबर था रसूल था संदेशवाहक था भगवान नहीं थे और हमारे स्वयं कृष्ण और विष्णु स्वयं भगवान है अभी ये भी भगवान के पुत्र से तुम्हारे भगवान भी अभी दिखाते हैं कंसर्ट करके करते हैं इसी शिवपुराण को आपके रूबरू करते हैं नाइन्टी एट पृष्ठ रुद्र संहिता ये दे देखिएगा रुद्र संहिता अठानवा पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण इसके अध्याय के लास्ट से लेते हैं आगे क्रम बन जाता है इसका अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले अध्याय अब देखिए ब्रह्मा जी छठा अध्याय हो गया रुद्र संहिता का और ए, ये सौ ये निन्यानवे पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं नाइनटी नाइन गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मन देव तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है जिस समय समस्त रहकर नष्ट जगत नष्ट हो गया था वहां कुछ भी नहीं था न सूर्य दिखता था और न चंद्रमा अन्य ग्रहों का भी कुछ पता नहीं था उसकी भी सता नहीं थी यहाँ देखते उस उस समय सत सद्रम इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था अच्छा आगे देखिए सौ पृष्ठ पे जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है यानी भगवान सदाशिव वही इनका परम ब्रह्म परमात्मा है अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं उस समय एकाकी रहकर अनुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी उस प्राशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जन्नी विकार रहित बताया गया है वह शक्ति अंबिका कही गई है उसी को प्रकृति देखो ये अंबिका जो तो श्री विष्णु इस सदाशिव यानी इसको हम काल कहते हैं यु काल है जिसने गीता का ज्ञान बोला ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है इसके शरीर इसने इस दुर्गा को खा लिया था इसके पेट से परमात्मा निकाली थी तो ब्रह्मा जी इस पुराण का वक्ता है इस प्रसंग का तो वो सच्ची अच्छी तरह समझ नहीं सका फिर भी उसने क्या कहा है कि उन सदाशिव ने अपने विग्रहमान शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप बूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी वो जो उसके शरीर से निकली शिव जी के वो सदाशिव यानी काल के वो कौन थी वह शक्ति अंबिका कही गई है उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पन्न करने वाली और मूल कारण भी कहते हैं सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के आठ बुझाए हैं क्लियर हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं ये तीनों देवताओं की माता है उत्पत्ति करने वाली है उसकी आठ बुझाएं नाना प्रकार के आभूषण उसके की शोभा बढ़ाते हैं वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के धारण करती है एकाइकिन होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं अब हम 101 सौ पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता का ये छठा अध्याय वे अपने सारे अंगों पर अब सदाशिव के बारे में बता रहे हो कौन है वे अपने सारे अंगों पर बसम रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने ओह इसको काल रूपी ब्रह्म कहो सदाशिव कहो वो काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ नाथ नहीं है शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था उस उत्तम का अक्षेत्र को काशी कहते हैं यानी ब्रह्मांड के सबसे ऊपर है ये वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव यानी शक्ति दुर्गा शिव ये काल वे परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं और मुने शिव सीव और शिवा ने यानी दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म ने परले काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया देवर से ब्रह्मा अपने पुत्र नारद को बता रहा है एक समय उस आनंद वन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि, कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए अर्थात कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए संतान जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के अंग पर अमृत मल दिया शक्ति सहित दुर्गा के साथ कर्म किया पति पत्नी व्यवहार फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम क्या रखा उस बालक का आपने 101 पर पढ़ा 101 पर पढ़ा अब 102 पढ़ाते हैं 102 पर आप देखोगे यहां देखिएगा उस काल भगवान ने कहा सदाशिव ने वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ अब यहां देखो बिल्कुल इसके सामने ये छठा अध्याय समाप्त हुआ अब सातवां प्रारंभ होता है ये रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से अपने पुत्र नारद को बता रहे ब्रह्मा जी तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके यानी उस दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार करके अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया अब क्या हो गया आत्मा विष्णु यु काल का पुत्र है और यु हमारे शंकराचार्यों का भगवान है तो ये भगवान कैसे हो गया ये भी इनके भगवान का पुत्र ही है तो है इनका मिथ्या ज्ञान, वेसलेस निराधार और इन ही अटकलों पर ये हमें आपस में लड़ाते रहे हिंदुओं के धर्म गुरु और मुसलमानों के धर्म गुरु परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कोई कहे मारा राम बड़ा है कोई कहे खुदाई रे कोई कह ईसा मसीह बड़ा है ये बाटा रहे बना हमारे अब ना इन हिंदुओं के धर्म गुरुओं को अपने सदग्रंथों का ज्ञान और न मुसलमानों के धर्म गुरुओं को अपने उस पवित्रों का सदग्रंथों का ज्ञान तो पुनात्मा अब हम शिक्षित हैं जीव हमारी जाति है मानो धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है नारा हम एक पिता की संतान है परम पिता के सत्यपुरुष के इस काल ने हमें मूर्ख बना रखे अब यहाँ एक कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि इस दुर्गा और काल के दो बेटे सिद्ध हो गए पुत्र श्री विष्णु जी और एक श्री ब्रह्मा जी अब तीसरा यह अनुवाद करता विचलित हो गया यहां तो इस दिया छोड़ फिर एक जगह और पाया गया कहते हैं चोर चुरा हुआ बड़ी और गड्ढे पानी में वो गड्ढे ऊपर ना सच्चाई ना जैसे किसी चोर ने तुम्बा चुरा लिया किसी का सूखा हुआ होता है और उसने पानी में छुपाया है वो वो छुपा के आके बैठ गया थोड़ी देर में वो आ गई तरफ नो चमका ऊपर ऊपर आ गया वो फिर का वो फिर ऊपर थोड़ी देर आ चमके कहते चोर चुरावे बड़ा गड्ढे पानी में वो गड्ढे हुआ ऊपर सच्चाई छनी ना तो इन्होंने इस सच्चाई रूपी तुम्बे को गड्ढन की कोशिश तो बहुत करी पर छुपा नहीं अब देखो शिवपुराण के अंदर ये संक्षिप्त शिवपुराण इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ये वही चल रहा है जो अभी आपको दिखाई थी अब हम आते हैं अपने उस कंसेप्ट पर एक समय श्री विष्णु जी सतगुण और श्री ब्रह्मा जी रजगुण की आपस में कहा सुनिए यानी युद्ध हो गया दगड़ा हो गया किस बात में ब्रह्मा जी कहता है मैं तेरा पिताजी विष्णु जी को विष्णु कहे मैं तेरा बाप क्योंकि ये काल जो सदाशिव है इनका पिताजी ये इनको भ्रमित किए हुए गीता ज्ञान भी ये काल सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ही बोल रहा है और ये सात में दे के चौबीस पच्चीस श्लोक में कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता अपने वास्तविक रूप में मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ तो इसने क्या किया है कि किसी महर्षि ने भगवान पाने के लिए समाधि होने की चेष्टा की कि किसी को तो ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए और किसी को शिव जी के रूप में किसी को विष्णु जी के रूप में जिसको विष्णु जी के रूप में दर्शन दिए समाधि दशा में तो वो विष्णु जी के पास आकर उसका शर हो गया कि आप ही भगवान हो मैंने देख लिया है आपने छुपा रखा अपने आप को आप सर्वशक्तिमान हो सर्व सर्जनहार हो आप परमात्मा हो ऐसा एक दो दस सैकड़ों ने कहा तो विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं सचमुच शायद मैं ही सर्जनहार हूं और ये भी कहा कि ब्रह्मा जी आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं उधर से उसने जिसको ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिए उसने श्री ब्रह्मा जी को अवावर दी आप सचमुच परमात्मा हो आप जगत के पिता हो जगत पालक हो सर्वशक्तिमान तुम ही हो इस बात का भ्रम बिर्म श्री ब्रह्मा जी को हो गया फिर किसी को शंकर किसी ने शंकर जी के रूप में देख लिए तो उसने शंकर जी की महिमा गा दी के भगवान शिव स्वयं पूर्ण परमात्मा है अदर व अमर है मृत्युंजय है कालज है ये सर्वशक्तिमान है तो ऐसे इसने इन सबको भ्रमित कर दिया अब जैसा ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा क्योंकि श्रीमद भगवत गीता का ज्ञान देते समय इसने जो विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को कहा था ये है मेरा विराट रूप ग्यार में ध्यान बत्तीसवें श्लोक में कहा कि मैं काल हूं और इन सब को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ अब आया हूँ ग्यारह में जो है कि सैंतालीस और अड़तालीस श्लोक में स्पष्ट किया है कि ये मेरा जो रूप तूने देखा ये मेरा रूप है वास्तविक इस काल का और कहता है मेरी प्राप्ति यानी रूप के दर्शन भगवान प्राप्ति ना वेदों व्रणित विधि से ना गीता न किसी तप से ना जप से और ना किसी क्रिया से किसी को नहीं हो सकते तेरे अतिरिक्त ना पहले किसी ने देखा ना आगे कोई देख सकता आगे फिर क्या कहा कि चतुर्भुज वो अपने चतुर्भुज रूप में आगे श्री विष्णु रूप दिखा दिया ये कुछ भी रूप बना सकता है ये काल तो फिर कहा कि चतुर्भुज रूप के दर्शन भी किसी वेदों वर्णित विधि से ना जब से न तप से किसी क्रिया से नहीं हो सकते ये मेरी कृपा से ही किसी को हो सकते तो ऐसे ये किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दे कभी किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है दे, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता ऐसा ही तो इन दोनों को भ्रम हो गया ब्रह्मा जी ने सोच लिया एम गॉड विष्णु जी ने सोच लिया मैं ही पर परमात्मा हूं करता हूँ इन दोनों का रोड़ा हो गया झगड़ा हो गया इन दोनों का युद्ध समाप्त करने के लिए इनके पिता ने इस सदा शिव काल ने काल रूपी ब्रह्म ने इनके बीच में तेजो में पिल्लर सतम गाड़ दिया ये युद्ध तबूल गए उसका ऊपर नीचे खोजन लग गए फिर ये स्वयं अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके खड़ा हो गया ये ऐसे आता है अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होता इसने प्रतिज्ञा कर रखी है गीता जी के साथ में चौबीस और पच्चीस में कि ये मूर्ख जन, जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आप न मनते मुझ अव्यक्त को मुझे कृष्ण रूप में व्यक्ति आया मान रहे होंगे आई एम नॉट कृष्ण मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता ये मेरा अटल अनुतम अवैध यानी माने अविनाशी नियम है विधान है घटिया नियम है क्योंकि जो पिता अपने पुत्रों से छुप रहा है घटिया है कभी सामने नहीं आता उसमें दोष है कोई ना कोई क्योंकि ये एक लाख मानव श्रीधारियों को नित खाता है इस कारण से छुप के रहता है अब यहां प्रसंग चल रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव इनका पिता है सदा काल रूपी ब्रह्म अब तो इन दोनों के बीच में स्वयं आकर के इनको ज्ञान देने लगे चौबीस पे ये ब्रह्मा विष्णु महेश के युद्ध हो रहा था इनके बीच में यो पिल्लर सतम यो लिंग खड़ा कर दिया तेजो में अब पच्चीस पे हम पढ़ेंगे तो इन्होंने दोनों ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आपस में इनसे कुछ प्रश्न किए इस काल रूपी ब्रह्म से ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो सृष्टि प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तव्य के लक्षण क्या है ये हम दोनों को बताइए भगवान शिव बोले फिर वो बताने लग गया अब हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे अब छब्बीस पे आ जाते हैं अब ये काल रूपी ब्रह्म विष्णु और ब्रह्मा को कहता पुत्रो हे मेरे पुत्रो मेरे बेटो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सती थी नामक दो कृत प्राप्त किए ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने ये मैं नहीं है दो उत्तम अन्य कृत सहार और त्रोभाव प्राप्त मुझसे प्राप्त किए परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता अब देखो ये दो पुत्र विष्णु और ब्रह्मा हो गए रुद्र और महेश्वर ये न्यारे हो गए सृष्टि और सतीति नामक दो जो दे रखी इसने दो विभाग दे दिए और रुद्र और महेश्वर ये चार इनसे अलग है ये वक्ता ये इनका पिता है अब हम यहां इतना स्पष्ट करना चाहते हैं अब यहां इसने इनको ये भी कहा कि तुम भगवान नहीं हो तुम भगवान नहीं हो देखिए ये तो केवल हिंदी वाली देखिए अपने गीता प्रेस गौरपुर से प्रकाशित पवित्र पुराण, अब जिसमें संस्कृत विद्वान भी भी है वो आपके रूबरू कराते हैं पवित्र पुराण, ये क्या बताते हैं महापुराण हिंदी टीका सहित भाग एक श्री महापुराण विधि अवृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिसर कृत हिंदी टीका सहित खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई ये मुंबई यहां से और वो डिटेल लिखी यहाँ दास की ये सारी डिटेल इस पे ये कहाँ से मुद्रे कम प्रकाशक ये है अब इसके हम आते हैं ये ग्यारह पृष्ठ पे विधवेश्वर संहिता वो भी विधवेश्वर संहिता हमने पढ़ी ग्यारह पे विधवेश्वर संहिता भाग एक अध्याय का यहां पर नंदी केशवर बोले हे hey योगिंदर आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गुरु आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित सैन करते थे विश्राम कर रहे थे सोम थे उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहाँ आ गए सब प्रकार सुंदर सेज पर सहन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे ये ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी बताया उन्होंने तुम कौन हो विष्णु जी से पूछ रहे तुम कौन हो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान सहन करते हो हे वत्स हे बेटा उठो देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ बर्मा जी कह रहे विष्णु जी को आए हुए गुरु को देख कर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का होना ने उचित है यह सुनकर विष्णु के उठा क्रोध हुआ परंतु बाहर से शांत रहे और बोले बेटा वत्स तुम्हारा मंगल हो बैठो इस आसन पर विराजो इस में तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वकर क्यों हो गया टेड यानी बांगामा मुंह क्यों कर रह तो ब्रह्मा जी बोले हे वत्स विष्णु हे बेटा विष्णु तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है हे पुत्र मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ विष्णु जी बोले ये सब जगत मुझ में स्थित है तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो इससे मेरे पुत्र हो मुझे पुत्र कहना व्यर्था है नंदी केश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे मैं श्रेष्ठ हूं मैं स्वामी हूं ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे वाह हे भगवान ये हमारे देवता ये बिर विष्णु तो कटके मरण मरण न हो रहे हैं अरे ये फूल बरसाओ कर दो काम अरे देवताओं के काम है ये देवताओं के ये लक्षण होते हैं दो भाई लड़ रहे हों बीच विचारा करवावे छुटवावे उनको उनका कॉम्प्रोमाइज करवावे और हमारे देवजी ये देवता हमारे फूल बरसाव के श्यापास मरो लड़के अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि फिर ये जो आपस में झगड़ रहे थे इनके बीच में इसने सदम खड़ा कर दिया ये स्वयं आ गया फिर ये क्या कहता है इनका बाप पिताजी काल सदा ब्रह्मरूपी काल हम संक्षिप्त सा लेते हैं ज्यादा अगर नहीं जाएंगे आप देखिएगा इसके सत्रह पृष्ठ पर विधवेश्वर संहिता पहले हमने ग्यारह बारह पृष्ठ पढ़ा अब सत्रह पर गए हम विधवेश्वर संहिता भाग एक अध्याय नौ है ये अब यहाँ क्या बताया है फिर वो नंदी केवर बोले इस प्रकार आगे बताता है कि उन उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा उस इनके पिताजी ने कि मेरे सकल और निष्कल ये दो भेद से दो रूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है वो यानी वो सतम खड़ा करा पिलर का। वो तो मेरा निराकार रूप है और ईश्वर रूप सगुण है मैं खड़ा ना ये मेरा सगुण रूप है मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं दूसरे किसी के नहीं अब यहां हो सकती इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती तुमने जो अब अज्ञानता से अपने को ईस माना आह यह बड़ा ही अद्भुत हुआ उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूँ अब ये इनका पिता कह रहा है कि तुम यू आर गॉड तुमने जो अज्ञान से अपने को ईस यानी भगवान मान लिया ये बहुत अचरज हो गया तुमने बहुत गलत कर दिया अब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने के लिए मैं आया हूं दूर करने के लिए रणस्थान माया हूं अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं अब देखो ये कहता है जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं इस तरह इसने अपनी फिर आगे महिमापत बनाई है अपूर्ण आत्मा अब फिर अठारह पृष्ठ देखिएगा अब कति कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ना या फिर बात रह जाएगी दसवा अध्याय अध्याय समाप्त हो जाता है इति श्री शिव पुराणे विधवेश्वर संहिता भाषा टेका नौमो अध्याय इति हो गया समाप्त तो हुआ अब यहाँ स्टार्ट हो गया दसवा इस दसवें के इसने आगे दसवें श्लोक में क्या बताया कि पुत्रो वही जो हिंदी वाले में भी था हे पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है ब्रह्मा और विष्णु से कहता है सृष्टि और स्थिति उत्पत्ति यानी सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहाता है सो मे मैंने प्रश्न होकर तुम्हें दिया है आगे देखो इस प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए अब हम यहाँ सिर्फ इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था हमने इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था जिनको हमारे धर्म गुरु पवित्र हिंदू धर्म के गुरु शंकराचार्य जिनको पूर्ण परमात्मा विष्णु और शिव को बताते रहे ये तो इनकी इतिहास में लिखा कि यह भगवान नहीं है तो क्या इनको वेदों का सदग्रंथों का ज्ञान था अब जैसा इनकेत शंकर पंचम के 135 सौ पैंतीस लिखा पर लिखा कि सबसे बड़ा पशु कौन है उन्हीं का उत्तर है कि जिन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा और उसके अनुसार धर्म आचरण नहीं किया वो सबसे बड़ा पशु है तो बाप पुण्यात्मा हो निर्णय करने ला सबसे बड़े पशु कौन है बोलो सतगुरुदेव की जय हो परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सर्व उत्पादक ये परमात्मा कौन है कहाँ रहते हैं उनकी क्या स्थिति है वे साकार हैं या निराकार हैं? वे परमात्मा हमें क्या लाभ दे सकते हैं यह जानकारी पुण्यात्माओं सत्संग से होती है और जिन पुण्यात्माओं को सत्संग उपलब्ध होता है धन है उनके माता पिता जिनसे से जन्म हुआ क्योंकि सत्संग में आए बिना प्राणी को अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता हमने सत्संग सुनने से पहले जो उद्देश्य मान रखा होता है वो भौतिक होता है सत्संग में आने से हमारा आध्यात्मिक उद्देश्य बनता है जो इस मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है आवश्यक कार्य है जैसे अपने निर्वाह के लिए जो क्रियाक्रम हम करते हैं वो तो मजबूरी है और प्रत्यक्ष दिखाई देती है वो भी हमने करनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारी व्यवस्था है मजबूरी है यदि हम इस शरीर के अंदर कुछ भोजन फीड नहीं करेंगे तो ये काम करना छोड़ देगा इसकी सुरक्षा नहीं रखेंगे कोई झोपड़ी मकान महल कमरे बनाकर तो भी इसको हानि हो गई तो ये व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि ये सब इसको आहार देना इसकी सुरक्षा रखना ये किस लिए अनिवार्य है केवल इसीलिए नहीं कि हमने बच्चे को पैदा करने हैं फिर उनको पालना पोसना है उनका विवाह कर देना है और फिर मर जाना है ये तो जो क्रिया है ये हमारे प्रारब्धवश सब हो रही है ये तो हमारी मजबूरी है और जो कार्य जरूरी है वो सत्संग से ज्ञान होता है तो वो पुण्यात्मा धन है जो सत्संग के अंदर आकर के इस अध्यात्म मार्ग को ध्यान पूर्वक सुनते हैं कुछ एक सत्संग में भी आते हैं यहाँ बैठकर भी अन्य ही चिंतन करते रहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल है इस काल भगवान ने ऐसी परंपराएं बनवा दी हमारी कि हम सारा जीवन उन्हीं को पूरा करने में मर जाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कोठियां बनाना विवाह के अंदर एक विशेष ड्रामा करना एक से बढ़कर एक दान लेना और देना हमने एक परम कर्तव्य मान लिया एक शोभा मान ली जो हमारी शत्रु है अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी शत्रु है ये वस्तु जो हम सर्व अधिक करते हैं एक प्लाट ले लिया संतुष्टि नहीं दूसरा और ले लूं एक कोठी बना ली संतुष्टि नहीं एक और बना दू उद्देश्य चाहे कैसा भी रहे कि अधिक बिक जाएगी ज्यादा कीमत मिल जाएगी धनी हो जाऊंगा धनी होकर क्या करेगा बेटी का विवाह करूंगा उसमें पैसे लगाने पड़ेंगे कोठी और बना लूंगा दुनिया में शान बन जाएगी इसी जोड़ तोड़ में मृत्यु हो जाती है ना वह कोठी काम आई ना ही वो चिंतन काम आया फिर कुत्ता बनकर वहीं पर सैर सपट्टे कर रहा है उस कोठी के आसपास, उसमें कोई घुसने नहीं देगा फिर तो पुण्यात्मा सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि हम क्या कर रहे हैं हमने करना क्या चाहिए था तो फिर हमारी दिशा बदल जाएगी और दिशा बदलने के बाद फिर हम उस क्रिया को करेंगे जो मनुष्य जीवन की आवश्यक है इसके साथ साथ जो निर्वाह के लिए कर्म है वो भी करेंगे ये अनिवार्य है वो हमारा एक आवश्यकता है हमारी उसकी शरीर निर्वाह के लिए तो उसको भी हम मिनिमाइज करेंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे बच्चों का विवाह हाँ। भगवान ने करके भेजा होता है ये आपकी भूल है कि हम ही उसका संयोग जोड़ते हैं एक पुत्री के वर्ड खोजने के लिए तीन तीन चार चार वर्ष भटकता रहता है व्यक्ति और जब समय आता है परमात्मा अपने आप संयोग जोड़ देता है तो उसके बाद फिर ड्रामाबाजी हमारी रह जाती है पता नहीं क्या क्या उसके उपलक्ष्य में हम छत्तीस फंड करते हैं कहीं डीजे बजाते हैं पता नहीं क्या क्या सामान खरीद के दिखाना लोग दिखावा फ्रीज है कूलर है फलाना है तगड़ा है मशीन है और वो आगे सारा कति काम नहीं आती बीस वर्ष तक पड़ी पड़ी जरे वहां पर तो कहने का भाव ये ये हमने कम करना है परमात्मा से जोड़ दो जो अपने बेटा और बेटियों को जिसके साथ भगवान हो गया फिर उसको कमी का एक ही रहेगी हमारा विश्वास उठ चुका है भगवान से क्योंकि हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान आचरण करते रहे जिस कारण से भगवान से मिलने वाली जो सहायता थी वो हमें प्राप्त नहीं हुई भगवान की भक्ति करते करते भी हम जो के बने रहे आपदाएं आती रही निर्धन होते चले गए व्यवसायों में घाटे बनते चले गए भगवान से आस्था हट गई एक जगह गए दूसरी जगह गए वहाँ भी बात नहीं बनी तीसरी जगह गए चौथी जगह गए नहीं बात बनी तो अंत में हम नास्तिक हो जाते हैं कि भगवान है ही नहीं तो पुण्यात्मा यह सत्संग विश्व के अंदर जो बरवाला आश्रम के अंदर है यह सत्संग कहीं पर नहीं है ये अभिमान नहीं ये यथार्थ ज्ञान जानना क्योंकि ये वो ज्ञान है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है जिसको सूक्ष्म वेद कहा है जो पांचवा वेद है इस पांचवें वेद के अंदर ये आल इन वन है ये पांचवा वेद जो है ये आल इन वन है और उसी के सहयोगी ग्रंथ जो है इस पांचवें वेद के सहयोगी ग्रंथ हैं वो उन महापुरुषों की अमरवाणी जिनको भगवान मिले पुणात्माओं हम अध्यात्म मार्ग के यदि भूत के विषय में विचार करें कि इन ऋषि में ऋषियों ने कितने कठिन प्रयत्न किए हजारों वर्षों तक इनके इतिहास बताते हैं इन्होंने साधनाएं की हठ योग किया जैसा भी क्रिया इनको किसी ने बताई सिर धड़की बाजी लगाई लेकिन परमात्मा नहीं मिले इसलिए उन सभी का अनुभव ये कह रहा है कि गॉड इज फॉर्मलेस परमात्मा निराकार है तो पुण्यात्मा क्या उनको भगवान मिला जो साधनाएं वो ऋषि लोग किया करते थे वर्तमान में वो क्रियाएं भी नहीं रही हम और अन्य क्रियाओं पर आकर रुक गए हमारे पूर्व के जो ऋषि महर्षि थे पुणात्मा ये धर्म मजहब ये कोई इनका लंबा इतिहास नहीं है 2520 वर्ष पूर्व 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ सन 2012 से सन 2012 से 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ और फिर उन्होंने इस हिंदू धर्म की स्थापना की उसके बाद आज से दो हजार बीस वर्ष पूर्व ईसाई धर्म का उत्थान हुआ ईसा मसीह जी के द्वारा और मुसलमान धर्म का ईसा जी के 600 वर्ष बाद लगभग यानी 1400 वर्ष इस मुसलमान धर्म को बने हुए हुए हैं और सिख धर्म का इतिहास तो बहुत ही छोटा यानी 500 वर्ष पूरा हुआ है उससे पहले कोई भी मजहब नहीं था अब ये मजहब क्यों बने ये जनसाधारण के बस की बात नहीं इस षड्यंत्र को कोई समझ सके यहाँ का जो मालिक है वो ब्रह्म है शरपुरुष है जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं काल भी कहते हैं जिसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद भगवत गीता का ज्ञान दिया जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसने परमात्मा को ना पहचान कर क्योंकि भगवान अन्य रूप में आए हुए थे कबीर देव कबीर साहेब अपने पुत्र जोगजीत के रूप में उनका पुत्र सतलोक में वचन से सब पुत्र हुए हैं तो इसने पहले तो उनके साथ युद्ध की सोची परमात्मा की सामर्थ्य के सामने उसके कुछ बसाई नहीं फिर उसके पश्चात देखा उसने के जोगजीत बहुत प्रबल शक्ति युक्त है पैर पकड़ लिए हाथ जोड़ लिए और इस लोक में आने का कारण पूछा क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा के मूल स्थान से 16 संख कोष की दूरी पर है एक संख नील पदम संख होता है ये ऐसी गिनती है तो जब इस काल भगवान ने जो यहाँ का स्वामी है जिसने ये मजहब बना दिए ईब कलयुग में तब उसने पूछा कि आप जोगजीत बड़े भाई क्योंकि ये काल भी उस परमेश्वर का ही पुत्र है ये बागी हो गया इसने वहां बहुत बकवाद कर दी जिस कारण से इसको निष्कासित कर दिया और हम अपनी नालाकी के कारण अपने पिता से आस्था हटाकर इसके ऊपर आसक्त हो गए तो जहां आशाताबासा हुई हम इसके साथ भगवान ने भेजने पड़ गए हम अपनी इच्छा से यहाँ आ गए जबकि परम पिता ने यहां होने वाले कष्टों से हमें आगा भी करा दिया था लेकिन हम माने नहीं आसक्त हो गए थे जिस कारण से हम यहाँ फंस गए तो जब हम यहाँ बहुत दुखी हुए क्योंकि हम उस परम पिता कबीर भगवान के परम अक्षर ब्रह्म के पुत्र हैं सभी चीटी से लेकर हाथी तक जितने भी स्त्री या पुरुष है मनुष्य जीवन है मानव है ये सभी उस परमात्मा की आत्माएं हैं हम सतलोक में रहा करते थे वह हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था और वही बात आज भी हमें खटकती है हम यहाँ कितने ही कष्ट उठा रहे हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन हम मरते हैं ये भारी प्रॉब्लम हम वृद्ध होते हैं ये सबसे बड़ा बुरा लगता है हमने क्यों लगता है क्योंकि हम वहाँ रहा करते थे जहां ये दोनों नहीं थे ना वर्द अवस्था थी और ना ही ये मृत्यु थी अब देखो हम मुश्किल से तो एक मकान बनावे फिर परिवार हो उस उसमें वो ममता कितने प्यार से हम रहते हैं फिर एकदम मृत्यु हो जाती है बताइए कोई बात हुई ये को का स्थान है आंखें बंद कर रखी हमारी इस काल ने क्योंकि हम इसे आगे सोच नहीं सकते ऐसी बुद्धि हमारी तो इस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं जब हम यहां दुखी देखे उस परमात्मा क्योंकि जिसके बच्चे बेटा बेटी दुखी हो जाते हैं वो माता पिता चैन से नहीं रह सकते पार ना बसावे वो अलग बात है लेकिन रो तो सकते ही हैं। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें एट टू 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 Eight eight zero five four one.